अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डालगोना कॉफ़ी। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने एक कप पानी डाल दिया है। मुझे सिर्फ पानी को हल्का सा गर्म करना है, पानी को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि ये कॉफ़ी हम एक पानी की बॉटल के अंदर बनाएंगे और बॉटल प्लास्टिक की है, तो इसलिए आपको इसको हल्का सा ही गर्म करना है। डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। ठंडा दूध, ये एक कप दूध है, मैंने इसको फ्रिज में ठंडा कर लिया। कुछ बर्फ़ के टुकड़े, एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और 2 से 3 चम्मच चीनी, ये चॉकलेट है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक इस तरह की बॉटल, ये एक पानी की बॉटल है जिसमें हम अपनी कॉफ़ी बनाने वाले हैं। तो मैंने ये एक पानी की बॉटल ले ली है, आपके घर में ये इजीली मिल जाएगी। मैंने इस बॉटल के अंदर 2 चम्मच चीनी पहले से ही डाल दी है, और इसी के साथ अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1/2 चम्मच कॉफ़ी। ये 1 कप कॉफ़ी है जिसमें से 1/2 चम्मच कॉफ़ी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। इस तरह की कॉफ़ी है ये, और इसमें थोड़ी कॉफ़ी मैंने बचा ली है जिसको मैं बाद में ऊपर से डालूँगी। ये प्लास्टिक की बॉटल है, और जो पानी हमने गर्म किया था वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए, और मैं 3 से 4 चम्मच पानी इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको बंद करके अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। बस यही प्रोसेस करना है आपको, बहुत फास्ट करना है, तेज़ी से करना है, जिससे कि अंदर कॉफ़ी, चीनी और पानी मिलकर बबल्स बन जाएं। ये देखिए, बहुत ये 1 मिनट में ही थिक हो गया, 1 मिनट से भी कम वक्त लगा है और ये थिक होना शुरू हो गया, ये देखिए, और ये बन के तैयार है। डालगोना कॉफ़ी आप मेरी स्टाइल में बना कर देखिए, ये 5 मिनट से भी कम वक्त में बन जाती है। मैंने एक ग्लास ले लिया है, आप किसी भी तरह का कप या ग्लास ले सकते हैं, और इसके अंदर मैं अब डालूंगी 2 से 3 टुकड़े बर्फ़ के। और मैं साथ ही इसके अंदर ऐड करूंगी ठंडा दूध। ये थोड़ा सा जमा हुआ है, लेकिन ये पानी में मिलकर फौरन मेल्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो बॉटल के अंदर कॉफ़ी तैयार की थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए आप कितनी थिक बनी है, और ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली है। आप इसी तरह से कॉफ़ी को लेकर हॉट कॉफ़ी भी बना सकते हैं। हॉट कॉफ़ी बनाने के लिए भी आपको इसी प्रोसीजर से कॉफ़ी तैयार करनी होगी। इसी तरह से हम कैपेचिनो कॉफ़ी भी तैयार करते हैं। चलिए, ये मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ मलाई, ये 1/2 चम्मच मलाई मैं इसके अंदर फ्रेश मलाई डालूंगी, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं। और मैं कुछ एक चुटकी कॉफ़ी ऊपर से डालूंगी, ये चॉकलेट है, अगर आपको चॉकलेट अच्छी लगती है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए, मेरी डालगोना कॉफ़ी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपके साथ बहुत सी वीडियो शेयर करती रहूँगी। ये देखिए, मेरी डालगोना कॉफ़ी बनके तैयार है। ये 5 मिनट में बनने वाली कॉफ़ी है, और ये बहुत ही टेस्टी और फ्रेश होती है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बताइएगा मुझे कि आपको मेरी कॉफ़ी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।